हे गाइस, तो क्या आप भी परेशान हैं कि इस व्रत में क्या बनाएं और फिर जो बनाते हैं बहुत ऑयली हो जाता है? तो मैं आपको आज सिखाती हूँ कि सिर्फ 2 चम्मच घी में आप कैसे साबूदाना का पोहा एकदम खिला खिला बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ले लेनी है साबूदाना, वो अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से आप ले लीजिए कितने का, और उसको सोख करके रखना है। फिर हम लोग ले लेंगे आलू टमाटर जो भी आपके पास हो। वेजी अगर व्रत का नहीं बना रहे तो आप प्याज भी ले सकते हैं, आपको जो मन हो उस वेजिटेबल डाल सकते हैं। बट व्रत में तो सिर्फ आलू टमाटर और अदरक और मिर्च ही चलता है, जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिएगा। आलू अब मैं कम ले रही हूँ क्योंकि हम लोग को आलू थोड़ा कम पसंद है और टमाटर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, वैसे आप भी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर हम लोग ने ले लेनी है एक कढ़ाई पैन जो भी आप उसमें बनाना चाहते हो। 1 चम्मच घी डालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा कुरकुरा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग डाल देंगे आलू, आलू को फ्राई होने देंगे थोड़ा सा, आलू थोड़ा खर रहता है तभी अच्छा लगता है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि साबूदाना हमेशा भिगोते वक्त सबसे बड़ी गलती सब लोग क्या करते हैं, साबूदाना बहुत सारा पानी डाल देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जिसकी वजह से साबूदाना वैसे चिपचिपा और खिला खिला कभी नहीं बन पाता। आप ध्यान दीजिएगा कि पानी हमेशा कम डालिएगा। अगर पानी पूरा सोख लिया है, सोख कर गया आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा और बाकी था सोख करना, तो उसका पानी डालिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार पानी नहीं डालना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आलू जब फ्राई हो गया तो मैंने उसको निकाल लिया ताकि उसका कुरकुरापन ना हटे। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं कि हम लोग खाते हैं आलू खर को, अगर आप चाहें तो स्किप करके डायरेक्ट टमाटर उसमें डाल सकते हैं। बट उसी पैन में बिना घी डाले हम लोग डाल देंगे टमाटर और मिर्च जिनके हम लोग निकाल देंगे, और अदरक मिर्च हम लोग एंड में हम मेरा खाने में ये रहता है हम मिर्च और अदरक लास्ट में डालते हैं ताकि उसका फ्लेवर मरे ना। अगर पहले डाल देते तो मिर्च और अदरक थोड़ा सा जल जाते हैं या फिर उसके फ्लेवर थोड़े ख़त्म हो जाते हैं, बट लास्ट में डाल लेते हैं वो हरा हरा दिखता भी और काफ़ी फ्लेवरफुल आपका डिश जो भी आप बना रहे हैं वो निखर के आते हैं। फिर 5 मिनट बाद उस 5 मिनट तक उसको ढक के पकाएंगे, फिर 5 मिनट बाद टमाटर हमारे एकदम गल जाएंगे। जब आपके टमाटर एकदम अच्छे से गल जाएँ तो उसमें हम लोग डाल देंगे साबूदाना जो हमने सोक करके रखा था। आपको भी दिख रहा होगा साबूदाना मेरे को कितना अच्छा फुल फुला, मतलब एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप भी जरूर ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और कमेंट मुझे ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। फिर यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का फ्लेवर अलग ही अच्छा होता है। फिर 1 चम्मच घी एंड में ताकि अच्छे से मैं उसको खिला खिला और बना सके। बस आपने नोटिस किया होगा सिर्फ मैंने 2 चम्मच ही घी डाली है, 2 चम्मच बस, तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, आप व्रत में जरूर ट्राई करेंगे। तब तक साबूदाना का पेड़ को ढक के पकाएंगे, फिर तब तक हम खुद धनिया अपना भिट्टी कर लेंगे, धनिया काट के रख लीजिएगा। फिर साबूदाने को खूब अच्छे से मिक्स देते देते अच्छे से खूब अच्छे से आपको उसको मिक्स करना है ताकि ये नीचे से पकड़े ना, क्योंकि मैंने घी बहुत कम लगाया है। तो 10 मिनट आपको टोटल देना है कि बाद में उसको ढकना है, बाद में उसको मतलब ओपन करना है, फिर उसको चलाना है, फिर ढकना है, मतलब 10 मिनट तक वो टोटल टाइम देना पड़ेगा पोहे में। फिर तभी जाके आपके पोहे एकदम खिले खिले बनेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर जो हमने आलू खर करके रखा था फिर उसको डाल देंगे, थोड़ा उसका कुरकुरापन रहेगा क्योंकि हम लोग एंड में डाल रहे हैं। फिर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, उसके बाद अगर आपको कोई और रेसिपी जाननी हो तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी और मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूँगी। और फिर ये हो गया धनिया डालने के बाद रेडी, और मैंने इसकी प्रेडिक्ट कर दी। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें साबूदाना कितना उभर के आया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।